रेखी बात स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से आपको बता दें, न्याय की गुहार लगा रही महिला का धैर्य टूट गया है। सकलडीहा तहसील का ये पूरा मामला है। न्याय की गुहार लगा रही महिला का धैर्य टूटा। न्याय के लिए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। ग्राम प्रधान पर जमीन कब्जा करने का आरोप है। महिला महीनों से न्याय की गुहार लगा रही थी लेकिन कहीं भी सुनाई नहीं दे रही थी उसकी गुहार। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर ये प्रदर्शन किया। विनय तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, जानना चाहेंगे आपसे, महिला टंकी पर चढ़ी हुई दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में, क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह यह है कि जिला प्रशासन की बार बार लापरवाही के कारण महिला अपने ही जनों से तो पीड़ित होकर, वह जमीन, उसकी जो जमीन है उस पे कुछ अवैध लोगों द्वारा कब्जा किया गया था, जिसपे शासन से बार बार गुहार लगाती रही लेकिन न पुलिस सुनी न तहसील प्रशासन सुना। इसके कारण आज वह टंकी पर चढ़कर अपनी खुदकुशी करने के लिए मजबूर हुई है। जी विनीत, टंकी पर तो महिला चढ़ गई है, क्या इसके बाद अधिकारियों से किसी तरीके का कोई संपर्क हो पाया इस महिला का? जी, टंकी पे चढ़ने के बाद जब जिला प्रशासन और लोकल पुलिस को पता चला तो मौके पे सब लोग पहुंच चुके हैं और महिला को